नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना। आखिरी मैच से पहले भारत पहुंचा सेमीफाइनल में। यूपी में डेंगू के मामले 8000 हुए पार। राहुल गांधी पर केजीएफ का म्यूजिक चुराने का आरोप। एलन ने ट्विटर के 50% कर्मचारियों को निकाला। पूर्व पीएम इमरान खान के भाषणों पर लगी रोक। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के रिजल्ट आज होंगे घोषित। जहर बनी हुई दिल्ली की हवा। दिशा पटानी को हुई थी मेमोरी लॉस की बीमारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, स्वार्थ और भाई भतीजेवाद की गारंटी। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस में अनिश्चितता गुटबाजी है, इसलिए हिमाचल में स्थिरता के लिए पुनः भाजपा की सरकार बनानी होगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मिशन रिपीट के लिए केंद्र व राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकारों को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 9,00,000 घरों में नल में जल दिया है और अब माताएं मुझे आशीर्वाद देंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव ना लड़ने के लिए उन्हें ऑफर किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मुझसे कहा कि गुजरात चुनाव मत लड़िए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को हम छोड़ देंगे। इसके साथ ही सीएम ने सीबीआई पर भी आरोप लगाया कि एजेंसी ने सिसोदिया को बार बार यही बोला कि केजरीवाल को छोड़ दो तो हम दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने आगे कहा कि जैन को 3 और महीने जेल में रख लो, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं, हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में रविवार को खेले गए मैच में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से हराकर बड़ी उलटफेर कर दी। नीदरलैंड की जीत से ग्रुप 2 के समीकरण भी बदल दिए गए हैं। अब भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। यूपी में डेंगू संक्रमितों की संख्या 8000 के पार हो चुकी है, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 10 हो चुका है। इस बीच लखनऊ में बीते शनिवार को 40 लोग डेंगू की जद में आ गए। अब तक यहां 150 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में हैं। आलमबाग चंद्रनगर गेट के पास रविवार सुबह डेंगू मलेरिया के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें मंडला आयुक्त, नगर आयुक्त और सीएमओ मनोज अग्रवाल ने शिरकत की, साथ ही घरों में जाकर लोगों को जागरूक भी किया। राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज हुआ है। ये केस KGF2 के म्यूजिकल लेवल कंपनी MTR ने दर्ज करवाया है। कंपनी का आरोप है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन में KGF2 का गाना इस्तेमाल किया, इसके लिए उन्हें परमिशन भी नहीं ली। म्यूजिक कंपनी MTR का कहना है कि KGF2 के हिंदी वर्जन के राइट्स पाने के लिए कंपनी ने मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक एजेंडे और मार्केटिंग उद्देश्य के लिए बिना किसी लाइसेंस के भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन में साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही दुनिया भर के कर्मचारियों की छटनी भी शुरू कर दी है। ट्विटर के कल 7,500 स्टाफ में से करीब आधे को निकाल दिया गया। भारत में ट्विटर के 200 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों को निकाला गया। वहीं इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीम में से छटनी की गई। सूत्रों का कहना है कि भारत में मार्केटिंग कम्युनिकेशन विभाग की पूरी टीम को खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान के भाषणों को अब लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान किसी भी भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीटेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। दरअसल इमरान ने लाइव आकर देश को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सरकार और सेना पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। वहीं पाकिस्तानी सेना ने सरकार से मांग की है कि सीनियर आर्मी अफसर को बदनाम करने को लेकर इमरान खान के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। इसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों की सीटें शामिल हैं। इसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग भी हुई थी। इन 7 सीटों में से 2-2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का कब्जा था, वहीं 3 सीटों पर BJD, शिवसेना और RJD थे। दिल्ली NCR की हवा बीते कुछ दिनों से जहरीली बनी हुई है। शनिवार को दिल्ली में AQI 403 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खतरनाक माना जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक प्रदूषण के चलते हर 5 में से 4 परिवार बीमार हो रहे हैं। अस्थमा, सांस लेने की तकलीफ और ब्लड प्रेशर के मरीजों बढ़ते जा रहे हैं।
8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारत की पूर्व दिशा के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:38 से होगी। वहीं शाम 4:23 से ईटानगर में चंद्रोदय के साथ यह ग्रहण भी दिखेगा। वहीं ग्रहण 6:19 पर खत्म हो जाएगा। 6:19 के बाद उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा जो कि 7:26 तक रहेगा। और अब बात बॉलीवुड की। एक्ट्रेस दिशा पटानी ने हाल में ही खुलासा किया कि एक बार ट्रेनिंग के दौरान कंक्रीट की छत पर गिरने से उनके सर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से करीब 6 महीने तक उनकी याददाश्त चली गई थी। दिशा का कहना है कि वो हादसा तब हुआ जब वो भारत फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसमें जिम्नास्टिक के खेलने के सीक्वेंस के दौरान यह हादसा हुआ था।